बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर है जहां पर दर्शन पूजन करने से खुजली से लोगों को मुक्ति मिलती है। इस मंदिर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यह की मान्यता है कि जो भी भक्त माता रेणुका के दर्शन करता है उसके रोग और दोष दूर हो जाते हैं। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। माता स्वयंभू प्रकट हुई है। शारदीय नवरात्रि में इस प्राचीन रेणुका माता के मंदिर पर 10 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। सुबह 4 बजे से भक्त माँ रेणुका माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पर पहुँचते हैं। पैदल चलते हुए जिले के आसपास क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो वहीं अन्य राज्य से भी नवरात्र में विशेष रूप से माँ रेणुका के दर्शन करने के लिए भक्त पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित जयेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि रेणुका माता पार्वती माता का स्वरूप है। पार्वती माता को यलंबा भी कहा जाता है। यलंबा बोले तो गांव की रक्षा करने वाली देवी होती है। प्राचीन समय में रेणुका माता गांव की रक्षा करती थी। यहां पर दर्शन पूजन करने से रोग और दोष दूर होते हैं, जिसमें विशेष रूप से खुजली यदि किसी भक्त को होती है तो दर्शन करने से खुजली से मुक्ति मिलती है। पुजारी का परिवार पिछले 17 वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहा है। क्या इतिहास है इस मंदिर का और कैसे माता की स्थापना हुई थी, कौन सा मंदिर है? ये बुरहानपुर का अति प्राचीन 500 वर्ष पुराना रेणुका माता का मंदिर है। रेणुका माता पार्वती माता का स्वरूप है और पार्वती माता को यलम्मा भी कहते हैं। यलम्मा का मतलब होता है गांव की देवी, गांव की रक्षा करना। तो यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं नवरात्रि में। शायद नवरात्रि में अभी 10 दिन का मेला लगेगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। और मान्यता ये है कि यहाँ पर माता जी का आराधन करने से शरीर के रोग दोष कष्ट सभी का निवारण यहाँ पर होता है। कैसे स्थापना हुई? माता जी स्वयंभू है। यहाँ पर 500 वर्ष पहले माता जी स्वयं निकले और फिर ये मंदिर बना। कब कब मेले का आयोजन होता है यहाँ? यहाँ शारदीय और चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है और शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर दशहरे के दिन रावण दहन होता है और काफी संख्या में लोग 10 दिन तक यहाँ पर आते हैं। आप कितनी पीढ़ी से सेवा कर रहे हो? 17 पीढ़ी से यहाँ पर सेवा हो रही है। क्या नाम? पंडित जयेश शुक्ला बुरहानपुर।